आप देख सकते हो पूजा खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग जल ढार रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जल ढार के हम लोग थोड़ा वीडियो वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे ये मेरी भतीजी लगती है जो ले लेके रखी है नीचे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी सारे में हम लोग एक एक करके जो है जल ढार रहे हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग जो है एक एक करके उठा के दे रहे हैं मम्मा को। और ये जो है इधर से कर रहे हैं उसका, फिर हम लोग जल ढार रहे। फिर छोटा भाई था, फिर उसका बारी था, तो मैंने उसे दिया, बोला जाओ तुम करो, अब मैं वीडियो बनाता हूँ। इससे पहले कि वही वीडियो शूट कर रहा था मेरा, और थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा वीडियो उतना सही नहीं आ रहा है। और मैं दो तीन जगह मतलब लाइट लगा रखा हूँ ताकि वीडियो क्वालिटी सही देगा। और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत अंधेरा भी कभी कभी आ जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग का पूजा देख सकते हो यहाँ पे। ये कौन सा पूजा आप लोग कमेंट करके बताए, मैं जो तो पता नहीं कि कौन सा पूजा हो रहा है, बस इतना जानता हूँ कि ये पूजा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे छठ पूजा में सुख का अथी किया जाता है, उस तरह यहाँ पे भी सूप है जिसमें सारा फल फूल रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जल ढारा है और इसी का ये। और यहाँ पे देख सकते हो वो जो चांद बाबा होते हैं उनको देख करके, और ऐसे करके उनको देखना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर जाके ये जो है ऐसे करके सूप देख के उनको ऐसे करके प्रणाम किया जाता है, उसका जल ढार दिया जाता है, बस हो जाता है। तो हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे सजाया जा रहा है तो बहुत टाइम लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उनको देख करके ऐसे प्रणाम कर लिया जाता है, बस हो गया बात। वो साइड में जो देखते हुए वो सोच रहे हो आप लोग चांद हुआ, तो वो चांद हुआ नहीं बल्कि वो मेरा लाइट लगा हुआ है जो कि पीछे बैक लाइट होता है, जो कि फोटो वोटो शूट करने के लिए लगाया जाता है, तो मैं उसे उधर लगा दिया हूँ ताकि रोशनी बहुत ही अच्छा से आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि अब हो चुका है सारा चीज खत्म, ठीक है। यहाँ पे पूरा हो गया है खत्म, एक एक करके सारा चीज खत्म हो चुका है। और बस लास्ट में जो है थोड़ा सा एक अलग से फल था, मतलब नारियल और सेब था देना, वो सब दिया जा रहा है यहाँ पे लास्ट है। और उसका ये यहाँ पे देख सकते हो, ये देने के बाद लास्ट में जल दिया गया, बस दिया। अब हो चुका है यहाँ पे पूजा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे पूजा खत्म होने के बाद आप देखते हैं कि क्या होने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूजा खत्म हो चुका है, सारा चीज हो गया खत्म। यहाँ पे देख सकते हो इतना अच्छा से रंगोली बनाया गया था बहुत ही मेहनत करके, और पूजा 5 मिनट में ही खत्म हो गया पूरा। यहाँ पे आप देखते हो सारे लोग यहाँ पे बड़े बड़े सब पे फोटो खींच रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो पूजा हो गया खत्म, और यहाँ लास्ट मम्मी अगरबत्ती दिखाएगी। तो यहाँ पे हो गया खत्म और लास्ट मम्मी अगरबत्ती दिखा के यहाँ पे खोजती है, ठीक है। और उस साइड में देख सकते हो हवन के लिए मतलब थोड़ा सा गोईठा वोईठा जल रहा था, जो कि अभी उतना धुआं नहीं दे रहा है क्योंकि उसपे उतना ज्यादा अथी नहीं डाले हम लोग। और यहाँ पे सब एक एक करके जो गोर ला के फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग एक एक करके जो जाते हैं और पैर छू के उसका फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे वेट कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हो। हम लोग भी जाते हैं सबसे लास्ट में, तो हम ही जाते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए। उसके बाद फिर लास्ट में मतलब मेरा भतीजा भतीजी दोनों जाता है लास्ट में। यहाँ पे देख सकते हो सब फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो फोटो खिंचवा रहे हैं और हम फोटो रिकॉर्डिंग दोनों शूट कर रहे हैं, दोनों साथ में शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर दोनों साथ में गए हैं, और ये रहा सबसे लास्ट में मैं ही गया था, और फिर ये लोग आए बाद में, तो ये लोग भी गए। यहाँ पे देख सकते हो चुका है फोटो शूट, ठीक है। और लास्ट फोटो ये था, तो यहाँ पे देख सकते हो ये लोग पहले फोटो खिंचवा लिए थे और हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये लोग बैठ चुका है खाने के लिए, बोल रहा अभी आप नहीं, मैं बोला थोड़ा रुक जा पहले तेरा, लोग रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। फिर मैंने अपनी शीशर के हाथ में मोबाइल दे करके मैं भी चला गया बैठने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो मैं भी बैठ गया हूँ और यहाँ पे खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है यहीं पे बैठ के खाया जाता है। उसके बाद बैठ के खाने के बाद जब खत्म उत्तम हो जाता है, तो पहले हम लोग का घर में होता था जिस समय मिट्टी का घर था, तो इसको जहाँ पे खाते थे वहीं पे मतलब खड्डा खुन के गाड़ दिया जाता था पत्ता को, बट अभी ऐसा नहीं है। तो अभी ये मतलब खाने के बाद जो है जब खत्म हो जाएगा, तो अभी मम्मी बोली है पत्ता को साइड में रख देना, और सुबह में जो है मैं किसी गाय को खिला दूंगी। तो आप लोग जल्दी से जाए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि अब ये वीडियो खत्म होने वाला है। हम लोग फिर मिलेंगे कल से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।